लंबित फ्रेचिंग ग्राउंड समस्या और ग्रीष्मकाल के दौरान शहर में आने वाली पेयजल समस्याओं से अब जल्द ही नगरवासियों को निजात मिलेगी, जिसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष और परिषद के गणमान्य पार्षदों ने कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि शनिवार को नगरपालिका अध्यक्ष नितिन गाडरी और उपाध्यक्ष किशोर माथनकार गणमान्य सभी पार्षदों ने अंचल के ग्राम लालाबाड़ी स्थित जलावर्धन फिल्टर प्लांट और कमली ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुँच चल रही निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और वहां अपने हस्ते पौधारोपण किया। बाद में अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे ने कहा कि जल्द ही जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन से शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और अपने अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के कर्मचारियों को निर्देशित कर कहा कि शहर में कोई भी ऐसा घर न छूटे जहां नल न पहुंचा हो। शहर के प्रत्येक घरों में पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। कमली स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड का भी नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद के द्वारा निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर का कचरा अब शहर के बाहर डंप किया जाएगा और यहाँ खाद बनाने का कार्य भी किया जाएगा, जिससे नगर पालिका को एक आय के स्रोत पैदा होंगे और शहर को विकसित करने में ये आय कारगर साबित होगी। वहीं चंद्रभागा नदी का निरीक्षण कर वहां पर भी तीज त्योहार और गणेश विसर्जन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने सीएमओ को निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका कर्मचारी सहित पार्षदगण मौजूद थे। आमला से राजेश कोगे की रिपोर्ट।